जहां एक तरफ भारत ने 10,000 करोड़ का मंगवाया है यूरेनियम, तो वहीं चाइना ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट का घोषणा कर दिया है। आखिर चल क्या रहा है, परमाणु एनर्जी के पीछे दुनिया क्यों पड़ी है? तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन अजरबैजान पहुंचे और अजरबैजान से वापस लौटते ही अजरबैजान ने क्या ऐलान किया है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। न्यूक्लियर पावर के मामले में अमेरिका चीन से बहुत पीछे है। वॉशिंगटन की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगली पीढ़ी के रिएक्टरों को तैयार करने में अमेरिका चीन से 10 से 15 साल पीछे है। परमाणु ऊर्जा के मामले में अमेरिका चीन से बहुत पीछे पहुंच चुका है, रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया, चीन में 27 परमाणु रिएक्टर निर्माण की प्रक्रिया में है। चीन में इन रिएक्टर में से एक रिएक्टर को शुरू होने में औसतन 7 साल लगते हैं, जो दुनिया के किसी भी तुलना में सबसे ज्यादा तेज है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि 2008 से 2023 के बीच चीन का परमाणु पेटेंट में हिस्सा 1.3% से बढ़कर 13.4% हो गया। अब चीन न्यूक्लियर फ्यूजन पेटेंट आवेदनों की संख्या में सबसे आगे है। संस्थान ने कहा कि इस क्षेत्र में बीजिंग का तेजी से प्रभाव बढ़ा है। इसकी वजह उसकी परमाणु ऊर्जा विकसित करने की स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है, जिसमें कम ब्याज वाली फंडिंग, फीड एंड टैरिफ और आसान रेगुलेटरी अप्रूवल शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की सरकार ने बीजिंग की व्यापक ऊर्जा रणनीति के रूप में घरेलू परमाणु रिएक्टर निर्माण को बहुत प्राथमिकता दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सबसे पहले ये धारणा गलत है कि अमेरिका एक इनोवेटर है और इसीलिए प्रतिस्पर्धा में वो सबसे आगे होगा। इनोवेटर्स कम लागत वाली इंडस्ट्री में अपनी लीडरशिप आसानी से खो सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के कई उद्योग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, टेलीकॉम इक्विपमेंट, मशीन टूल्स शामिल है, जिसमें अब अमेरिका ग्लोबल लीडर नहीं है। दूसरा, चीन सिर्फ एक नकल करने वाला है और हमेशा इसका अनुसरण करने वाला ही देश बना रहा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हालांकि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के मामले में अमेरिका अब भी सबसे आगे है। अमेरिका के पास 94 रिएक्टर हैं, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने पिछले दशक में केवल 2 नए रिएक्टर बनाए हैं, जिनमें से दोनों को बनाने में कई साल की देरी हुई है और बजट से अरबों डॉलर ज्यादा खर्च हुए हैं। पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना ने एक बार फिर एक बड़ा ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर के तहत चाइना बड़े अमाउंट को खर्च करना चाह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में। क्यों आखिर खर्च करना चाह रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा कि कम दाम में एक बहुत ही बढ़िया साधन है ऊर्जा का, और दूसरी बड़ी चीज ये है कि इससे तेजी से विकास संभव है। $31 बिलियन का प्लान बनाया है, रिकॉर्ड अप्रूवल दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर बनाए जाए, और ऐसे ही सिद्धांतों पर भारत भी चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, टाटा स्टील ने भी आखिरकार यही फैसला लिया है कि ये भी अब ग्रीन स्टील के लिए जाएंगे और 200 BSRs की स्थापना करेंगे, यानी कि ये भी भारत स्मॉल रिएक्टर्स बनाएंगे 200 मेगावाट का, जो 45 गीगावाट की कैपेसिटी जिसका हो। ये अब कोयला से फर्नेस चलाने की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। समय के साथ दुनिया बदल रही है। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल देखिए, रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने रूस से $1.2 बिलियन का यूरेनियम खरीदा था, 2023 का ये आंकड़ा है। यही चीजें होती है, ये लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जब दूसरे की बारी आती है तब ये कहते हैं कि आप क्यों खरीद रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये तो आप युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो इन्हें खरीदने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं होती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में कौन कौन है? इस वीडियो में राष्ट्रपति हैं पुतिन और इसके अलावे अजरबैजान के भी राष्ट्रपति इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको। अजरबैजान और पुतिन दोनों की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद, ठीक इनके वहां से हटने के बाद, अजरबैजान ने ब्रिक्स को लेकर आवेदन किया है। अब ये अजीब सा संजोग बन रहा है कि ब्रिक्स को लेकर पाकिस्तान भी आवेदन कर रहा है और
ब्रिक्स को लेकर अजरबैजान भी आवेदन कर रहा है। भारत की बात करें तो ब्रिक्स में अगर ये देश आते हैं तो फिर समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदलने वाली है, जैसे कि जो कूटनीति है वो कूटनीति बदलेगी और ये फिर उसके चाइना के पलड़े को भारी करेगी। पर क्या रूस ये सब कुछ जानता है फिर भी यहाँ पर उनकी एंट्री कराएगा? तो रूस के अपने हित भी हैं, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। जैसे भारत को अगर रूस कहे कि तुम सारा व्यापार मेरे से ही करो, अमेरिका से ना करो, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। भारत अमेरिका से भी व्यापार कर रहा है, ऐसे में रूस को भी पूरा हक है कि वो किसी और के साथ अगर व्यापार करना चाहता है तो व्यापार करे, और रूस इसी दिशा में बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। हालांकि अजरबैजान के इस मुलाकात को काफी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुलाकात माना जा रहा है। आर्मेनिया को ये मुलाकात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा जो इस वक्त चल रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया ने साफ साफ रूस को कह दिया है कि और आपका देश हमारे यहाँ वेलकम नहीं है, और ये चीज CSTO से निकलते वक्त भी कर दिया है। कभी भी कोई भी चीज गुस्से में नहीं फैसला लेना चाहिए, और जैसा कि कूटनीति में कभी भी एकदम रूखे होकर नहीं बात करनी चाहिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अगर अजरबैजान को देखेंगे आप तो अजरबैजान हर किसी के साथ मुलाकात कर रहा है, और आर्मेनिया क्या कर रहा है, आर्मेनिया कुछ देशों के बीच में फंस गया है। आर्मेनिया खासतौर पर अमेरिका के साथ है। अब आने वाले समय में आर्मेनिया को लेकर अमेरिका कितना साथ देता है वो तो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ पर आपको बता दूं, आर्मेनिया ने एक पंगा इजराइल से भी लिया है, और इजराइल से ये पंगा लिया है कि फिलिस्तीन को इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है। अजरबैजान अगर अब इस ब्रिक्स में शामिल होता है तो अजरबैजान के लिए एक दिक्कत यही होगी कि अजरबैजान को भारत का अप्रूवल चाहिए होगा। अब भारत इस मामले में अप्रूवल देगा या नहीं देगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि अजरबैजान भारत को मना पाता है या नहीं मना पाता है। आपने देखा कि मलेशिया ने जिस तरीके से रुख बदला है, और रुख बदलने के पीछे ब्रिक्स भी एक बड़ा कारण बना है, वैसा ही कारण अजरबैजान को लेकर भी हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने अजरबैजान पहुंचकर आर्मेनिया को एक साफ संदेश दे दिया है कि अब जो बैलेंस वाला एक्ट है वो खत्म हो चुका है, अगर तुमने हमें छोड़ दिया है तो हम भी यहाँ पर अब साथ में हैं अजरबैजान के। ये चीज अब खुल्लम खुल्ला यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुतिन जब आए थे तब 7 ऐसे डॉक्यूमेंट्स साइन हुए हैं अजरबैजान के साथ। अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि अजरबैजान आखिर क्यों गए राष्ट्रपति पुतिन, उनको क्या फायदा होने वाला है? तो जाहिर तौर पर यहाँ पर फूड सेफ्टी और व्यापार की वजह से इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन गए हैं। रूस इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से साथ चाहिए उसे, लोगों का साथ चाहिए, अर्थव्यवस्था में साथ चाहिए, बहुत सारे कारण बन रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।